हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी। मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी ने शपथ जो है वो ले ली है, पहली प्रतिक्रिया आपकी? मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। लगता है दिल्ली के जो कामकाज हैं क्या वो होंगे, क्योंकि पिछले कई साल से लगातार बीजेपी हमलावर रही है आम आदमी पार्टी को लेकर के? आपके माध्यम से आतिशी जी को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता की जो एस्पिरेशंस हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, पिछले 10 साल में पूरी नहीं हुई है। महिला मुख्यमंत्री बनी है, कम से कम महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए जरूर काम करेंगी, उनकी पेंशन के लिए भी काम करेंगी। इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार इस पूरे चुनाव का टाइम जो है वो आगे, अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा जो है वो दे दिया, आतिशी नई मुख्यमंत्री है, बीजेपी किन मुद्दों पर अब आगे ले गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब नए सिरे से काम करेगी, अलग तरीके से योजनाएं लेकर के आएगी? दिल्ली में 10 लाख लोग इस बात के इंतजार में हैं कि उनके राशन कार्ड बन जाएं। दिल्ली में जितने बुजुर्ग हैं, जो प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत योजना है, जो गरीब लोग हैं, अगर दिल्ली में वो लागू होती है तो उनको 5 लाख रुपए तक का बीमा मुफ्त मिलता है, स्वास्थ्य बीमा मुफ्त मिलता है। आतिशी जी अगर उस फाइल पे साइन कर देंगी तो दिल्ली की जनता उनको जिंदगी भर याद रखेगी। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, शुक्रिया हर्ष मल्होत्रा, जो कि साफ तौर पर कहना है कि कई सारे बुजुर्गों की पेंशन, कई सारे ऐसे मुद्दे जिन पर अगर आतिशी अगर फाइन साइन कर दें तो उन लोगों की समस्याएं जो है वो हल होंगी, इसी उम्मीद के साथ बीजेपी जो है वो उनसे उम्मीद करती है। कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।